यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। शनिवार को सीएम ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया, फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी ने यहां एनसीसी के ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया भारत की ताकत हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को महसूस कर रही है। आप भी सुनिए। इतने अच्छे वातावरण में प्रशस्त लैंड आपको यहाँ पे प्राप्त हुई है। एनसीसी निदेशालय को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। यहाँ पे अपर महानिदेशक और ग्रुप, इस ग्रुप के जो इंचार्ज हैं, यहाँ पे ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी ने, गोरखपुर ग्रुप कमांडर ने इसके लिए तो प्रयास प्रारंभ किए। ये दिखाता हमें कि हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो शासन अपने आप ही उस दिशा में आपको 2 कदम आगे और बढ़कर के सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पहल किए जाने की आवश्यकता है और आपने पहल की, उस पहल का परिणाम भी आपको सुखद रूप में यहां पर देखने को प्राप्त हुआ है। आज आवश्यकता है हम सब इस बारे में देखें कि जैसे सरकार आप पर हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है, ऐसे ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वह आपको जीवन में प्रशिक्षण देकर के एक सही मार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य हो, ये दोनों कार्य आज सरकार पूरी प्रमुखता के साथ करने का कार्य कर रही है। और जीवन के अनेक क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में इस एकेडमी का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे ये जानकर के और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो आबादी कामकाजी है, जिस आबादी के द्वारा अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से प्रदेश और देश के विकास में जो योगदान दे रही है। आप सोचिए, अगर 56 से 60% आबादी अनुशासन न मान करके अपने तरीके से आचरण करने लग जाए, समाज की क्या स्थिति होगी? इस युवा आबादी के लिए, इस युवा कार्यशाल कार्यशील कोशी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए जहां एनसीसी का अपना महत्व है, वहीं साथ ही साथ हम सब इस बारे में ध्यान में रखें कि व्यक्ति का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। अगर वह स्वयं के लिए जी रहा है तो उसका कोई मायने नहीं रखता। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए। अपने देश के लिए हम कार्य करें, अपने देश के लिए हम जिए, हमारा संपूर्ण समर्पण अपने देश के लिए होना चाहिए और यही से ही हमारी अनुशासन का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, एकता का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, उसको हमें राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ, इसी कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। आज आप देखते होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज आप देखते होंगे कि देश की रक्षा की आवश्यकताओं की आपूर्ति, जिसके लिए हमें पहले विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज स्वयं भारत के अंदर उसकी रक्षा की उत्पादन क्षमता को, इकाइयों की क्षमता को बढ़ाकर के नई यूनिट बनाकर के डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ऐसी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग में हम लोगों को देखने को मिल रहा है और आज दुनिया भारत की हार्ड पावर की भी और सॉफ्ट पावर की भी ताकत को महसूस कर रहा है। एक नया भारत है तो नए भारत के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा और मुझे प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर में अपने इन हजारों युवा साथियों के लिए एनसीसी एकेडमी, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराष्ट्र
संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच, ये 11 जनपद के कैडेट्स न केवल अपना प्रशिक्षण के बाद आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए इस एकेडमी का उपयोग कर पाएंगे, बल्कि ये जो 11 जनपद है, इन 11 जनपदों में 4 जनपद ऐसे हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य इंडिकेटर में जो जनपद पिछड़ गए थे, आजादी के बाद जिन्होंने अपेक्षित विकास नहीं किया, उनमें ये 4 जनपद भी थे। इन्हें आकांक्षात्मक जनपद कहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये 4 जनपद है और मुझे प्रसन्नता है कि एनसीसी एकेडमी और यहां से निकले गए जो प्रशिक्षित कैडेट्स होंगे, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक विकसित जनपद के रूप में विकसित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में अपना योगदान दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज यह कार्यक्रम यहां प्रारंभ हो रहा है और मैं चाहूंगा कि एनसीसी निदेशालय, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन तीनों मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर इस एकेडमी के निर्माण के कार्य को हम पूरा करें, जिससे इसका लाभ यहां के छात्र छात्राएं ले सके। दूसरा, हमारा प्रयास जरूर कुछ चीजों का होना चाहिए। जहां भी हमारी इस प्रकार की एकेडमी बने, वहां पर एक तो पूरा हरा भरा वातावरण होना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि प्रशिक्षण कभी कभी भीषण गर्मी में भी हो सकता है, कैंप्स लगते हैं तो उस समय गर्मी भी हो सकती है और उस दौरान शीतलहरी भी हो सकती है, हमें उसकी परवाह नहीं करना। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब की परवाह के बगैर राष्ट्र निर्माण के लिए इसी एक अभियान के साथ अगर हमें जुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी परवाह के बगैर हम सब अपने आप को समर्पण भाव के साथ इसके साथ जूझ पड़ेंगे। जहां ये भाव हमारे मन में होना चाहिए, हम यह भी तय करें कि इस दौरान हम लोग काफी बनाते समय ही वृक्षारोपण इस प्रकार के वृक्षों को वहां पर लगाएं जो यहां की वातावरण के अनुकूल होने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को अच्छा और उत्तम वातावरण देने में सहभागी बन सके, एक एक काम होना चाहिए। दूसरा, हमारी एकेडमी का जो क्षेत्र हो उसको प्लास्टिक फ्री करने के समय में कार्य करना होगा, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, वो प्लास्टिक का हो, किसी भी प्रकार की सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का हो, उसके लिए हमें अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी चाहिए और उस प्रकार के मॉडल डेवलप करने चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि जिन संस्थाओं में एनसीसी है, सप्ताह में एक दिन अपनी नियमित बिल के साथ ही एनसीसी के कैडेट स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के साथ भी वहां जुड़े। स्वच्छता, ये स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उत्तम माध्यम तो है ही, उस माटी के साथ हमारी आत्मीयता को जोड़ने का भी माध्यम बनता है। आपने देखा होगा ये जो 11 जनपद है, स्वच्छता का क्या महत्व हो सकता है, यह महत्व इंसेफ्लाइटिस पर विजय प्राप्त होना इसका एक उदाहरण है और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया। इसलिए जिन भी संस्थाओं में हमारी एनसीसी की यूनिट हो, उन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि नियमित भीड़ के साथ हम सप्ताह में एक दिन श्रमदान के लिए 1 घंटा उस पूरे परिसर को स्वच्छता कार्यक्रम के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे। तो आपके कारण पूरे छात्र और पूरी युवा शक्ति इस अभियान के साथ जोड़ करके स्वच्छता के लक्ष्य को भी
प्राप्त करने में, मदद करने में अपना योगदान दे पाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं एनसीसी निदेशालय को, इन 11 जनपदों के एनसीसी के सभी कैडेट्स को, एनसीसी के गोरखपुर ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से इस एनसीसी अकेडमी के लिए बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि समय सीमा के अंदर इसे बना करके हमारे इस 11 जनपद के एनसीसी के कैडेट्स इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।